फिजिक्स किसी को टफ और किसी को हार्ड क्यों लगती है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट किसी को टफ या फिर हार्ड क्यों लगता है। टफ एंड हार्ड इज अ रिलेटिव टर्म। कि जब फिजिक्स अपन प्रिपेयर करते हैं फिर कोई भी सब्जेक्ट टफ और हार्ड क्यों लगता है, दो चीजों से लगता है। पहला, आप उसको अवॉइड करना स्टार्ट करते हो। दूसरा, आपके बेसिक्स कमजोर होते हैं, राइट? अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, आप जैसे सब्जेक्ट्स को अवॉइड करना स्टार्ट करोगे ना, 3 दिन अवॉइड कर लोगे, 4 दिन, चौथे पांचवें दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। मन क्या करेगा? अबे नया चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे यार, चैप्टर छोड़ो। होता है कि नहीं ऐसा? नए चैप्टर से देखते हैं, देखते ही रह जाते हो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, मैटर क्लोज हो जाता है। मैटर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो मैटर क्लोज नहीं करना है, सब पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं आपसे बोलूं, भैया एक कील ठोकनी है यहाँ पे, तो आप उंगली से तो कील ठोकने के लिए होल तो करोगे नहीं, क्या करना होगा? आप एक कील लेके आओगे पहले, या फिर एक ड्रिल मशीन लेके आओगे, आप पहले ड्रिल करो, करेक्ट है कि नहीं? आप ड्रिल मशीन ले आए पर आपको ड्रिल करना आता नहीं है, हाथ वाथ खुद ही का हाथ ड्रिल कर लिया, बता। इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आपके पास ड्रिल मशीन होना चाहिए और ड्रिल मशीन को चलाने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है? तभी आप क्या कर पाओगे, कील को ठोक पाओगे। सेम गोज विद फिजिक्स। अगर आपको सवाल बनाने हैं तो मेक श्योर करना पड़ेगा आपको बेटा, मेक श्योर करना पड़ेगा दैट यू नो योर टूल्स, यू नो योर टूल्स। आपके पास आपके टूल्स होने चाहिए, जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स कहते हैं। नॉट दैट ग्रेव मैथमेटिक्स, बहुत एकदम डीप मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट? इट जस्ट अ टूल। कैसा है ये? जस्ट अ टूल। ये आपको किसका काम कर रहा है बेटा? आपको ड्रिल मशीन का काम कर रहा है। ये आपको बताएगा। अब टूल्स आना ही जरूरी नहीं होता है, टूल्स के अंदर मास्टरी भी होनी चाहिए। मास्टरी इन द सेंस दो चार चीजें होती है, मैं बताता हूँ। वेक्टर्स हो गया, बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया, क्लियर है कि नहीं है? ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है, ग्राफ्स हो गए, सिंपल स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, क्या इक्वेशन होती है, कैसे इनके ग्राफ्स दिखते हैं, राइट? तो ये सब चीजें आनी चाहिए। अब ये चीज अपने को आ गई, मतलब इसमें अपन प्रो हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पीरो प्लेयर। क्या हो चुके हैं? पीरो प्लेयर। तो अपन एक बार प्रो हो गए बेटा इसके अंदर, तो हमको ड्रिल मशीन हमने खरीद भी ली और ड्रिल मशीन हमको चलाना आ भी गया। अब कील ठोकने की बारी है, करेक्ट है कि नहीं? अब अपन कील ठोक रहे हैं, तो हो सकता है जब अपन कील ठोक रहे हो तो कील प्रॉपरली लगे ना, पर अपने को बार बार एक ही जगह पे हैमर करना पड़ेगा कील को, तभी वो ठोकेगी, करेक्ट? सेम गोज हियर। हो सकता है जब आप तुम सवाल को सॉल्व करो तो आपसे सवाल नहीं बने, पर बार बार उस टाइप के सवाल को आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप सवाल बना पाएंगे। एक बात आप दिमाग में मिनान से बैठा लीजिए बेटा, एग्जाम हॉल के अंदर आप एक तो सबसे पहले ना, ये फिजिक्स की फील वाली जो वर्ड होता है, इसको ध्यान से सुनना। कई बोलते हो सर फील आ गया, फील जैसी कोई चीज नहीं होती, फील जैसी कोई चीज नहीं होती है। कितना भी फील आ जाए, अगर तूने एग्जाम हॉल के अंदर एक ऐसा सवाल देख लिया जिसके टाइप की तूने प्रैक्टिस नहीं की है, तो बस फील ही फील लेते रहना, सवाल तेरे से नहीं बनने वाला है, समझ लो? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस माय फ्रेंड। क्या है ये? हाँ ऑब्वियसली थोड़ा फील का है कि हाँ सर समझ आ गया, फील आ गया, दिख गया। अरे इससे कुछ नहीं होता, दिखता सबको है, सबके पास इतनी बुद्धि है, समझ रहे हो कि नहीं? मैं बोलूं कि भैया एक एक्स डायरेक्शन में एक बंदा जा रहा है, हाँ सर फील आ गया, अरे सबको पता है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? बात यह है कि हाउ यू आर गेटिंग द थिंग्स डन इन फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट विल ओनली अकम्प्लिश ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाइक अ मेनियक, करेक्ट है कि नहीं? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके साथ बहुत आसान होने लगेगी।